हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लो बीट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरी रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर और आप लोग भी जो है काफ़ी उत्सुकता से उसको देखते हैं। ये हीरा 3 एंड हीरा 3 प्रो के बारे में हमने लाइव भी किया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसको। अगर बात करें हम 2 घंटे के अंदर अंदर 15,000 से ऊपर जो है उसके अंदर व्यूज़ आ चुके थे, तो ये बहुत बड़ी बात है फ्लो बीट्स के लिए कि आप सब इतना इंटरेस्ट लेते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। हमने भी कोशिश की है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर यहाँ आप तक पहुँचाएँ जो कि आज से पहले कभी ना मिला हो। जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, स्लो वॉल्यूम के अंदर बेस हो या गाड़ियों वाली बेस, जो कार वाली बेस, उसको हमने रोलिंग बेस का नाम दिया है, वो हम घरों के अंदर लेके आए जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद की। खासकर 18 साल से लेके 35 साल तक की एज के जो यंगस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि हम भी इसी एज के अंदर आते हैं तो हमें भी बेस बहुत पसंद है। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी हीरा सीरीज़ चलाई थी और हीरा सीरीज़ यकीन मानिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली सीरीज़ है और इसीलिए हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ईयर बाय ईयर हीरा 1, स्मॉल हीरा, हीरा 2 एंड देन हीरा 3, हीरा 3 प्रो लेके आए हैं। तो आज मैं वीडियो जो है आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर लेके आया हूँ। आप लोगों ने बोला था कि एक प्रोडक्ट जो हीरा 3 है ना, हैंड हीरा 3 प्रो, उसके अंदर का बारे पूरा खोल के आप दिखाइए, डिस्क्राइब कीजिए कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स लगे हैं, उसकी कैबिनेट, उसकी बेस कैसे इतनी बढ़िया प्रोड्यूस की जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके अंदर का जो है आपको पूरा खोल के आज हम दिखाते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले बात कर लेते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की, हीरा 3 की। हीरा 3 की इस बारी जो बिल्ड क्वालिटी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके सामने अगर देखेंगे तो फ्रंट से आपको लेदर फिनिश मिलती है इसकी, साथ ही साथ इसके अंदर फ्रंट के अंदर आपको सिल्वर कलर के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ देखेंगे ये टोटल सिंगल साइड में देखेंगे तो 6 बटन्स मिल जाते हैं, दूसरी साइड में भी 6 टोटल 12 बटन्स दिए गए हैं। और यहाँ ऊपर जो है मिड रेंज दी गई है, मिड रेंज में जो डस्ट कैप रखी गई है वो सिल्वर कलर की रखी गई है ओपन, ताकि लुक में जो है इसका आपको और एनहेंस करके मिले लुक और आपको फिनिश बढ़िया मिले। यहाँ पर एक और चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि जो इसकी कोन है, जो ऊपर का पर्दा जिसको हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो जो है बूफर कोन दी गई है, जिसकी वजह से क्या है आपको जो साउंड की क्वालिटी है, वोकल्स की क्वालिटी है, आपको और बढ़िया तरीके से मिल पाए। उसके अंदर कहीं पर भी ये ना हो कि वोकल्स कहीं मिस हो जाते हैं या फिर वोकल्स में क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो होते हैं इनका काम होता है मिड रेंज, इसमें वोकल्स का काम करता है, और जो नीचे होती है ये हाइस बोला जाता है इनको, या कि ट्विटर बोल देते हैं हम देसी लैंग्वेज के अंदर। ट्यूटर्स का काम होता है बीट्स को देना और मिड रेंज का काम होता है वोकल्स देना। हमेशा अगर आप कान लगाएंगे तो यहां से आपको इतना महसूस नहीं होगा, बट यहां आप कान लगाएंगे तो ये चुभेगी। तो कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि इसमें आवाज आ रही है, इसमें आवाज नहीं आ रही, तो हमेशा देखिएगा कि ये इसकी आवाज ज्यादा होती है, क्योंकि ये बीट्स प्रोड्यूस करता है और ये वोकल प्रोड्यूस करता है, तो दोनों में ये फर्क रहता है। इस बार दोनों को जो है 60-60 मैग्नेट के अंदर रखा गया है हमेशा की तरह, बट जो इस बार शक्ल है इसकी दोनों की वो चेंज की गई है। साथ ही साथ इसके अगर हम बात करें कैबिनेट की थिकनेस, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है, तो कैबिनेट की थिकनेस इसकी जो है 13 mm रखी गई है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट को जो है पीछे से मूव करके आपको वो दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी बोर्ड की थिकनेस की, जो इस बार जो इसकी जो कैबिनेट की थिकनेस है वो 13 mm दी गई है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे थिकनेस। और साथ ही साथ जो बोर्ड का यूज़ किया गया है इसके अंदर, पार्टिकल बोर्ड का यूज़ किया गया है। पार्टिकल बोर्ड जो होता है वो बेस के लिए काफ़ी बढ़िया माना गया है। अगर हम पार्टिकल बोर्ड का यूज़ करें तो बेस काफ़ी दमदार निकलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि हमारे पास जो है बेस आपको इतना बढ़िया कैसे मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाएं तो आपको बिल्कुल जो है माइनर से माइनर चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा, तभी एक बढ़िया सा प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा। तो ये तो होगी इसकी बोर्ड की बात, अब आगे हम बात कर लेते हैं इनके बूफर्स की। फिर इसको पीछे से हम आपको खोल के दिखाते हैं और अंदर कौन सा सर्किट लगा हुआ है, साइड में जो कार्ड यूज़ किया गया है कि नहीं बेस ट्रबल का, वो भी आपको एक एक चीज़ की खोल के दिखाते हैं आपको। तो चलिए इसका सब बूफर हम खोलते हैं, दोनों का सब बूफर आपको खोल के दिखाते हैं कि क्या उसका जो डिज़ाइन जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, क्यों ये इतना बढ़िया जो है हैवी आपको रोलिंग बेस देता है सब बूफर, और इसके अंदर मैग्नेट कितना लगा हुआ है, और ये लेयर फ्री टेक्नोलॉजी कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। तो मैंने इसकी ग्रिल
ग्रिल उतार दी है, ग्रिल उतार के हम साइड में कर देते हैं। सबसे पहले एक बार बूफर का ऊपर का पार्ट दिखा दीजिए एक बारी। ये देखिए ये बूफर का ऊपर का पार्ट है और यहाँ पर भी कुछ लेयर्स इस बारी बनी हुई आपको मिल जाएंगी इस टाइप की। और इसको खोलते हैं, यहाँ से जो फ्लो बिट्स है बिल्कुल हटके हो जाता है सबसे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करके दिखाता। अब कोई करके दिखाए तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, बट अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये आपका राइट है जानना। और ये वही काम करेगा जिसने प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी या फिर जो प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट्स हैं। इस बारी अगर आप एक और चीज़ खास देखेंगे, देखिए अभी मेरे से गलती होने वाली थी, आप कभी मत कीजिए, जब भी आप खोलें तो ऐसा हाथ जरूर रखें और पहली बात तो खोलने की कोशिश करें मत, नहीं तो क्या होगा कि स्क्रू ड्राइवर जो है यहाँ घुस जाएगा और ये कौन फट जाएगी। तो यहाँ देखेंगे तो इस बार स्क्रूज काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं, जबकि नॉर्मली 5 से 6 स्क्रूज होते थे, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्रूज का यूज़ किया गया, क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो बूफर कहीं पर वाइब्रेट ना करे या आपको जो है कंपन ना मिले, इसलिए जो ये काम किया गया। इस बार 8 स्क्रूज जो है यूज़ किए गए हैं इसको लगाने में। तो बूफर हमारा खुल चुका है, तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बारी, घुमा के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये बूफर देखिए, ये इस पर ही जो है इसका मैग्नेट दिया गया है 130 हम जिसकी बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ख्याल रखा गया है एयर का भी, एयर डस्ट कैप भी यहाँ पर लगाई गई है पीछे से भी, ताकि इसके अंदर जो है कुछ डस्ट ना जाए, कुछ बड़ी चीज़ ना जाए और ये यहाँ से एयर भी बराबर निकलती जाए। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ मैग्नेट, एक बार मैग्नेट भी आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए मैग्नेट जो है इसका 135 है, बट मैं 130 ही बताता हूँ, बट 135 मैग्नेट दिए गए यहाँ। और साथ ही साथ जो है मैग्नेट की, इस बार ये आपको बहुत बारीकी से दिखाते हैं मैग्नेट की, ये चीज़ दिखानी भी बहुत ज़रूरी है। ये इसका कम से कम यहाँ 20 mm की जो इसकी थिकनेस दी गई है इस बार मैग्नेट की यहाँ से। और यहाँ इसकी किट की अगर बात करें तो किट भी यहाँ पर आपको जो है मिल जाती है, देखेंगे आप यहाँ 11 mm के अराउंड, 10 mm मान के चलिए, ये थिकनेस जो है 10 mm के अराउंड मिल जाती है। थिकनेस कौन सी होती है मैं आपको एक बार बारीकी से दिखाता हूँ। यहाँ से जो ये थिकनेस है, ये वाली ये थिकनेस, इसको हम बोलते हैं किट की थिकनेस। ये जो है आपको 11 mm मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया रहती है। बहुत चीज़ों में जो है ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी, के यहाँ पर इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस और ये इसकी मैग्नेट की, इन्हीं चीज़ों से जो है बेस बनती है। और यहाँ जो आप देखेंगे सब जो इसके स्पाइडर है, स्पाइडर की जो एयर का यहाँ से दिया गया, इस बारी यहाँ से एयर आपको बाहर निकलती है। स्पाइडर जो है लेयर फ्री टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ताकि जो बेस है, क्या होता था कभी कुछ गानों में बेस बढ़िया आती थी, कुछ गानों में बेस नहीं बढ़िया आती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि आपको सारे सॉन्ग्स में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि ये सॉन्ग्स में बेस अच्छी नहीं आ रही, सॉन्ग चेंज करो, उसमें बढ़िया आ रही है। तो इस बार ये चीज़ नहीं है, आप जो है हीरा 3 के अंदर किसी भी तरीके का सॉन्ग प्ले कर लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये ट्राई कीजिएगा जो जो भी हीरा 3 लेके जा रहे हैं, हीरा 3 प्रो लेके जा रहे हैं। तो मैं एक बार इसको बंद करके आपको इसके बाद सर्किट के बारे में बताऊंगा, और सर्किट के बाद जो है हम बात करेंगे इसके अंदर जो बेस ट्रबल का कार्ड लगा हुआ उसकी भी आपको खोल के दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। दोस्तों बूफर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलिए इसका सर्किट आपको खोल के दिखाते हैं। सबसे पहले पीछे से इसका बैक प्लेट इसकी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर इस बारी जो बैक प्लेट है वुडन में रखी गई है। रीज़न क्या होता है कि कुछ जो है केसेस सामने आए, पीछे अगर हम इसको रख देते हैं लोहे के अंदर, मेटल के अंदर इसकी प्लेट अगर रखते हैं, तो क्या होता है कि जब आप लोग वायर लगाते हैं, इसकी पिन लगाते हैं यहाँ या फिर दो वायर लगाते हैं, तो जैसे ही एक वायर लगती है दूसरी अगर लोहे में टच हो जाती है तो वो शॉर्ट हो जाता है सर्किट, तो आपको कहीं ना कहीं जो है डैमेज का सामना करना पड़ता है सर्किट का, और आपको फिर दोबारा उसको इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाना पड़ता है। तो ये मैंने बेटर सोचा कि इसके अंदर जो वुडन का ही यूज़ किया है, ताकि आपको शॉर्ट सर्किट का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आपको दिखा देते हैं सर्किट एक बारी। यहाँ पर देखिए सर्किट जो है इस बारी फैट मैन में जिस तरह की हीट सिंक हैवी यूज़ की गई थी, उसी टाइप की जो है इसके अंदर हीट सिंक यूज़ की गई है। और यहाँ आपको दिखा देता हूँ इस बारी जो यहाँ पर, प्लीज़ एक बार ये दिखा दीजिए, मॉस्फेट जो है जापान के मॉस्फेट यूज़ किए गए हैं। देखिए जापान लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये पूरे मॉस्फेट जो हैं काफ़ी हैवी किस्म के हैं,
और यहाँ ये वाले अगर आप आईसी देखेंगे तो ये भी इस बार बड़े यूज़ किए गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी भी सप्लाई आ जाती है तेज बिजली, जिसको हम बोल देते हैं रूरल एरिया के अंदर जब आपकी सप्लाई तेज आ जाती है, बिजली तेज आती है, तो सबसे पहले ये सड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी हैवी रखे गए हैं इसके अंदर चारों, अगर हम बात करें 1837 के रखे गए हैं इस बारी, और मॉस्फेट सर्किट 9200 चार। और यहाँ दूसरी जगह आप देखेंगे तो ये आपको प्लीज़ यहाँ पर दिखा दिए फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर भी इस बारी काफ़ी हैवी लगाए गए हैं, 400 प्लस 105 उसके लगाए गए हैं। और यहाँ आपको वो भी दिखाया तो इनका मैं नंबर्स जो है यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया यहाँ। और एक एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये क्लिप सिस्टम है इसके अंदर, कि क्लिपों का यूज़ किया गया है, जितने भी हैं यहाँ पर आयरन सोल्डरिंग बहुत कम से कम यूज़ की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो ग्लूज़ का यूज़ किया गया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि ये जिसके अंदर ग्लू भरी गई है। क्या होता है कि जब बेस आती है तो बेस जो सबसे पहले इसको हिट करती है अपने फिल्टर्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कंडेंसर ड्राई हो जाता है, और आप देखेंगे आवाज़ अलग सी अजीब सी आवाज़ आनी चालू होती है। तो वो चीज़ों से रोकने के लिए इस बारी इन ग्लूज़ का यूज़ किया गया है। अब सब हमारे जितने भी सर्किट देखेंगे सबके अंदर आपको ऐसे इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपको जो है कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और आपको एक अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और ट्रांसफार्मर चाह रहा था एक बार आपको दिखाया था, बट ट्रांसफार्मर नीचे है। मैं एक बार कैमरा चाहूँगा कि कैमरा एक बार दिखा दें आप अंदर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको अंदर इस बारी ट्रांसफार्मर अलग से फिट किया गया है इसके अंदर, इस बारी बैक प्लेट पे नहीं लगाया गया ये ट्रांसफार्मर है हमारा। ट्रांसफार्मर भी जो है वही 20 से 30 वोल्टेज से लेके 30 वोल्टेज तक है, ताकि आपका पीछे से वोल्टेज अगर बढ़ जाए तब भी आपको जो है सामना ना करना पड़े ट्रांसफार्मर सड़ने का या किसी भी चीज़ का। और साथ ही साथ जापानी कोर के अंदर ट्रांसफार्मर दिया गया है। और यहाँ एक चीज़ का खास और यूज़ किया जाता है, ये देखेंगे आप पूरी जो शील्ड लगी हुई है, एयर शील्ड यहाँ पर यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ से एयर ना क्रॉस हो। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं बेस, जब एयर क्रॉस होती है तो बेस का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है, बेस जो आपकी बिखरनी चालू हो जाती है, और बेस जहाँ से एयर हो, एयर पाइप से निकलनी चाहिए, वहाँ से सब जगह से एयर निकलती है और बेस का मज़ा नहीं बन पाता। तो ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जो है शील्ड लगानी ना भूलें। तो चलिए इसको भी बंद कर देते हैं हम लोग, और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका कार्ड साउंड का। तो मैंने आपको जो इसका सर्किट दिखाया, इसका ट्रांसफार्मर दिखाया, ट्रांसफार्मर इसका जो है 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, जबकि बात करें हीरा 3 प्रो में उसके अंदर आपको 7.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर मिल जाता है। तो मैं साउंड कार्ड एक बारी जो है वो वॉइस का जो कार्ड होता है साइड पे, जो नॉर्मली तौर पे नहीं यूज़ किया जाता हर जगह, बट हम लोग जो है हमेशा देते हैं ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट साउंड को जोड़ देते हैं और कार्ड का ही वो बेस ट्रबल कंट्रोल करता है वहाँ पर, अपना जो है सर्किट का बेस ट्रबल अपना नहीं बन पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है साउंड के साथ। तो बट यहाँ इस बारी जो है, इस बारी क्या है, वैसे हमेशा ही आप जितने ही मेरे मॉडल देखोगे वहाँ पर आपको जो है साउंड कार्ड जरूर नज़र आएगा, यहाँ की नहीं। एक बार आपको इस पर भी खोल के मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। तो ये देखिए मैंने जो है यहाँ से साइड से भी आपको खोल के दिखाया, यहाँ पर देखिए बहुत ही कमाल की चीज़ है जो हमारे द्वारा यूज़ की जाती है। पूरा देखो आपको साउंड का भी पूरा बोर्ड मिलता है, सर्किट मिलता है, जबकि आपको नॉर्मली कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैं इसलिए खोल के दिखाता हूँ क्योंकि मुझे कोई चोरी नहीं है, मैंने कुछ ऐसा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से क्या है कि मैं यहाँ से देखने में उसको हिचकिचाऊँ या वहाँ से। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पूरा जो है कोड मिल जाती है, ये नहीं कि यहाँ पर आपको आयरन सोल्डरिंग का काम है, पूरी कोड है, वैसे कोड लगाई और आपका काम हो गया है। साथ ही साथ यहाँ आईसी आपको छोटे छोटे मिल जाते हैं, ये आईसी जो है सबसे पहले तो बेस और ट्रबल के आईसी होते हैं, यानी जब हम आपको कैलिब्रेशन, जिस कैलिब्रेशन की बात करते हैं वो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है, कि एक साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस करना, हमने आपको कैसा बेस देना है, कैसी ट्रबल देनी है, कैसा वोकल देना है, वो सब चीज़ें इन्हीं से जो है होके निकलती हैं सारी। और साथ ही साथ माइक का जो यूज़ करते हैं हम लोग, के सबसे पहले क्या होता है कि जो नॉर्मल सिस्टम देखेंगे आप वहाँ इस कार्ड के अंदर जो माइक का सिस्टम होता है वहीं से कनेक्ट कर दिया था आप लोगों को, उसमें आपको क्या होता है माइक के अंदर नॉइज़ का इशू देखने को मिलता है, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पर माइक का सर्किट जो है अलग दिया था, जिसकी वजह से क्या है कि आपको जब कैरियोके सिंगिंग करेंगे तो माइक में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगी किसी किस्म की, और आपको माइक के अंदर भी बहुत बढ़िया जो है साउंड इफेक्ट मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पर भी पूरा समझा दिया होगा। ये आपको जो है वॉल्यूम मिल जाता है साइड में, ये ट्रबल मिल का ऑप्शन मिलता है हाइज़ का, और ये बेस का, और बाकी ये माइक का वॉल्यूम, और ये माइक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर आपको माइक की टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और आगे इस सिस्टम की भी टेस्टिंग दिखाएंगे आपको।
तो चलिए वीडियो को इस बार और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपको जो है फ्रंट के जो मिड रेंज और ट्विटर है वो भी आपको खोल के दिखाते हैं, हाइज जिसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कितने स्क्रूज इस बार इसमें भी यूज़ किए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्क्रूज यहाँ पर भी यूज़ किए गए हैं छोटी सी मिड रेंज के अंदर। तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और इसको आपको पीछे से दिखाता हूँ। फ्रंट तो मैंने आपको दिखाई दिया, बूफर कोन मैं जैसे कि बता रहा था बूफर कोन इस बार यूज़ की है, डस्ट कैप इस बार सिल्वर यूज़ की गई है ताकि फ्रंट में आपको देखने में इसका बहुत अच्छा लुक आए। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम और 16 मैग्नेट भी आपको दिखाते हैं कि मैग्नेट पीछे से किस टाइप की होती है। तो दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो है मिड है जो हमने इस बार यूज़ किया है। मिड के अंदर कैपेसिटर भी आपको दिखाएंगे, कैपेसिटर और सबसे पहले इसकी मैग्नेट आपको दिखा देते हैं 60 mm, जैसे कि हम बोलते हैं। देखिए ये भी 70 mm मैग्नेट है इसकी, यहाँ पर मैग्नेट इसकी भी 70 mm आ रही है। साथ ही साथ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर का कोड जो है 3.5K+250 आ रहा है इस पर ही यहाँ पर जो यूज़ किया गया, जिसकी वजह से आपको इतनी मिठास आती है इसके वोकल्स के अंदर कि आपको टेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। माइक मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया, ये देखिए ये मैंने जैक लगा दिया माइक का इसके अंदर यहाँ पर, और साथ ही साथ ये आपको माइक का इको का मिल जाता है बटन और यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल जाता है माइक का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको देखिए कनेक्ट कर लिया, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब ऑन करके थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी साथ में मैच ना हो। हेलो, चेक साउंड, चेक। तो ये देखिए इस टाइम ब्लूटूथ के अंदर है और माइक कनेक्ट हुआ पड़ा इससे वायर वाला। तो ये जो इसके अंदर कार्ड लगा है, कार्ड का यूज़ किया गया है, उसकी वजह से आपको इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है माइक के अंदर भी। बस आपका माइक अच्छा होना चाहिए क्वालिटी वाला, नहीं तो आपको नॉइज़ का सामना करना पड़ सकता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। तो एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, कुछ लोग वायरलेस माइक की बात करते हैं। अगर सपोज़ कीजिए वायरलेस माइक आपको मेरे यहाँ से नहीं मिला तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे वायरलेस माइक तो डोंगल वाले माइक आते हैं जिनको आप ब्लूटूथ वाले माइक बोलते हैं। माइक कभी ब्लूटूथ नहीं होता, माइक फ्रिक्वेंसी वाले होते हैं, उनके साथ एक डोंगल मिलता है आपको, वो डोंगल के अंदर सेल डालिए और यहाँ पर लगा दीजिए और माइक आपका जो है वायरलेस हो जाता है, जिससे कि आप बिना कोड के बिना वायर के माइक को जो है कनेक्ट कर पाएंगे। प्राइस उसका 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन साइट्स पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अवेलेबल करूं अपने वेबसाइट पे ताकि आप लोग इजीली उसे परचेज कर पाएं और उसे यूज़ कर पाएं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी, अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। हम आपको साउंड जो है अपना हीरा 3 के अंदर अलग अलग तरीके की टेस्टिंग करके दिखाएंगे, 2-3 तरह की, ताकि आप साउंड का मज़ा ले पाएँ। तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। सो दोस्तों प्लीज़ यूज़ हेडफोन्स, हम टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स प्ले। तो ये एक बेस का टेस्ट था इसका। अब इसके बाद आपको एक और टेस्ट देता हूँ NCS का। तो चलिए एक और सॉन्ग हम NCS ले लेते हैं हम लोग, ताकि कॉपीराइट से बच जाएं हम। काफ़ी लोगों की मुझसे क्वेरीज रहती है कि ऑर्डर कहाँ करें, कैसे करें। आप मेरे पीछे दो नंबर्स देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है आप बड़े प्रोडक्ट जितने भी है 4000 के ऊपर के, इन नंबर्स पे जो है व्हाट्सअप करके आप यहाँ से क्वेरीज ले सकते हैं। ये मेरे खुद के नंबर हैं, मेरी टीम यहाँ बैठती है। अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करते हैं तो स्कैम होने का कोई चांस नहीं है। ऑर्डर करने के बाद पेमेंट करने से पहले आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल में आपको मैं मिलूंगा और यही मेरे आपको जो है एरिया सारा ऐसा ही मिलेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो बाकी हम आगे चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दो टेस्ट दिए इस हीरा 3 के, बाकी बात करते हैं प्रोडक्ट को लेके। हम लोग, हमारा विजन जो है हमेशा से यही रहा है कि प्रोडक्ट जो हम बना के दें आपको वो आपको कहीं पर बना मिले, और ये हमारा शुरू से ऐसा रहा है फोकस कि बेस के मामले में हमसे कोई टक्कर ना ले पाए, क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो आपको दूर से ही दिख जाती है। आप कहीं पर भी हों आपको ढूंढ ही लेगा कोई ना कोई। तो बस आपकी जो है जरूरतों, आपकी कसौटियों पर खरा उतरते हैं हम लोग, और यही हमारी शुरू से रही है दौड़।
तो आगे आपको इससे भी बेटर प्रोडक्ट और मिलते रहेंगे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो मैं अगली वीडियो हीरा 3 प्रो के लेके आऊंगा। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैंने ब्रीफली बताई होंगी, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।